नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं स्नानघाट मंदिर में, जो कि बिलासीपुरा से सामने ही है। और स्नानघाट मंदिर में चल रहा है 3 दिन से शक्ति यज्ञानुष्ठान, वही हम देखने के लिए आए हैं और आप लोगों से भी शेयर करने वाले हैं उसका विजुअल्स। और इस मंदिर को थोड़ा घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं हूँ स्नान घाट में, जहाँ पे 3 दिन का एक यज्ञ हो रहा है, 3 दिन का। तो वही मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। होम एक हो रहा है यहाँ पे इस मंदिर में, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस मंदिर का थोड़ा मंदिर भी आप लोगों को थोड़ा दिखाऊंगा। यहाँ पे हनुमान जी है, उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, नवग्रह मंदिर है। और यहाँ पे मेन जो होम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस ब्लॉग को देखते रहिए पूरा, बहुत कुछ है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हमें महामाया स्नानघाट मंदिर प्रांगण में, यहाँ पे ही पिछले 3 दिन से शक्ति यज्ञानुष्ठान हो रहा है। इसी मंदिर में हो रहा है शक्ति यज्ञानुष्ठान और आज आखिरी दिन है, इसीलिए बहुत भक्त के समागम आज हुआ है यहाँ पे। हर साल जनवरी या फिर फरवरी के महीने में इस मंदिर के पुजारियों द्वारा यह शक्ति यज्ञ किया जाता है, जो कि 3 दिन की होती है। इस साल भी 3, 4 और 5 फरवरी शक्ति यज्ञ अनुष्ठान मनाया गया है यहाँ पे। तो आइए अभी थोड़ा जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। स्नानघाट मंदिर मुख्य महामाया मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर टिपकाई नदी के तट पर स्थित है, जो शक्तिशाली नद महाबाहु ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। प्राचीन समय में जैसे कि स्थानीय लोगों की विश्वास है कि ये वो स्थान है जहां देवी महामाया स्नान करती थी, तभी से इस स्थान को महामाया स्नानघाट नाम से जाना जाने लगा। श्री श्री महामाया स्नानघाट मंदिर खोराघाट में स्थित है और ये कोकराझार जिले के अंतर्गत है। इस साल 28वां वर्ष है इस यज्ञानुष्ठान का। इस मंदिर के आर्किटेक्चर काफी सुंदर है। स्नानघाट मंदिर के प्रतिष्ठापक है श्री अमरेंद्र बरदलोई। इस मंदिर से जुड़े हुए एक मिस्टीरियस हिस्ट्री है, जो कि अमरेंद्र बरदलोई जी को सपने में माँ महामाया निर्देश दिए थे कि खोराघाट में जाके एक माँ महामाया के मंदिर निर्माण करने का। माँ महामाया के निर्देश में अमरेंद्र बरदलोई जी खोराघाट पे आए और एक के बाद एक मंदिर बनाने लगे। उसी समय से ये स्नानघाट मंदिर लोगों में मशहूर होने लगा। और अभी हम हैं महामाया स्नानघाट मंदिर के श्री कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर और शिव मंदिर में, और अभी है माँ महामाया मंदिर में। ये
ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये पेड़ एक्चुअल में सीमेंट से बना हुआ, कंक्रीट से बनाया हुआ एक पेड़ है। इसके अंदर भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर कौन सा मंदिर है। और कंक्रीट से बना हुआ इतना बड़ा ये पेड़ काफी अच्छा लगता है, जो देखने में एकदम रियल जैसा लगता है। देख सकते हैं पेड़ के अंदर मंदिर, जो कि दीर्घेश्वरी मंदिर। यही है स्नान घाट के शक्ति योग का, जो कि पिछले 3 दिन से चल रहा है। इसी प्रसिद्ध यज्ञ को दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से लोग। और इस जगह में लोगों को खिलाया जा रहा है महाप्रसाद, और इस जगह में बनाया जा रहा है ये प्रसाद। और यही था प्रसिद्ध स्नानघाट मंदिर के शक्ति योग का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे इस आरकेएस क्रिएटिविटी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ पे एक छोटा सा मेला भी हो रहा है स्नानघाट में, वहाँ पे भी हम थोड़ा गए थे लास्ट में, और अभी हम खोराघाट में वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए। यहाँ से ऑटो पे चढ़ेंगे और बिलासीपारा तक जाएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।